हेलो। रोहुआ, जय हिंद साथियों। तो हम लोग जो है इसके पहली वाली क्लास में यूपीपी के लिए शुरू से ही जो सिलेबस है हमारा उसके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग से जो है शुरू किया था। जैसे पहला चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था हिंदी भाषा का विकास। हिंदी का विकास कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, उसमें कितनी बोलियाँ हैं, क्या उनका क्षेत्र है, कहाँ कहाँ से आई हुई हैं और कौन सी चीज़ें हैं। तो हम लोगों का ये टॉपिक चल रहा था और इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था कि हिंदी का विकास कहाँ से हुआ और हिंदी का पूरा विकास क्रम का क्या रहा, उनका समय क्या रहा और अपभ्रंश कितने रहे। तो इतना सारा हमने पढ़ लिया था। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था उपभाषाएं और बोलियां। ठीक है, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, उपभाषाएं और बोलियां। ठीक है, तो वहीं से हम लोग शुरू करेंगे। हिंदी में हिंदी तो हम लोग जो है उपभाषाएं और बोलियां लेके चल रहे थे। उपभाषाएं और बोलियां, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था उपभाषाएं हमारी 5 होती हैं और बोलियां हमारी 18 होती हैं। ठीक है, तो उसमें से हमने पहली उपभाषा बता दी थी, कौन सी थी, वो थी पश्चिमी हिंदी। ठीक है, दूसरी हमारी है पूर्वी हिंदी। और तीसरी हमारी है राजस्थानी। और चौथी हमारी है बिहारी। पांचवी हमारी थी पहाड़ी। ठीक है, ये 5 थी हमारी उपभाषाएं। ये पांचों हमारी क्या हैं, तो ये हैं हमारी उपभाषाएं। ठीक है, अब हम लोग बोलियां देखेंगे। 18 पश्चिमी हिंदी में आती हैं 5 बोलियां। जैसे पहले खड़ी बोली, इसी को कौरवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कौरवी। दूसरी हमारी आती है खड़ी बोली के बाद में ब्रज भाषा। दूसरी आती है ब्रज भाषा। और तीसरी हमारी आती है कन्नौजी। और चौथी हमारी आती है बुंदेली। और पांचवी हमारी आती है हरियाणवी। ये 5 हमारी आती हैं। और हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं। हरियाणवी और हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं। इसका दूसरी हमारी है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में 3 आती हैं,
इसको होने था 36 के बी के बी, ये था हमारा एच एच। तो पश्चिमी हिंदी में कितनी है, के स्क्वायर बी स्क्वायर एच, यानी कब कब है के बी एच। पूर्वी में हिंदी आती है 3 ए ए से अवधि और बी बी से बघेली और सी सी से आती है 36 गढ़ी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी। तो राजस्थान में आती है 4, उत्तरी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी को कहते हैं मेवाती, और दूसरी आती है दक्षिणी राजस्थानी, दक्षिणी को कहते हैं मालवी, और तीसरी बेटा आती है हमारी पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी को कहते हैं जयपुरी, जयपुरी या ढूढाणी या हड़ौती। और अगली आती है हमारी पश्चिमी राजस्थानी, और पश्चिमी राजस्थानी को कहते हैं हम लोग मार वाड़ी। ठीक है, फिर आती है हमारी बिहारी, बिहारी आती है मगही, मैथिली और भोजपुरी, मगही मैथिली और भोजपुरी। फिर आती है हमारी पहाड़ी, पहाड़ी में आती हैं 3 कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली, 3 आती हैं। ठीक, तो बच्चे ये हमारी 5 उपभाषाएं हो गई, और इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत 18 बोलियां हो गई। पश्चिमी हिंदी में 5 आती हैं। कब कब है, पहले कहते खड़ी बोली, खड़ी बोली का दूसरा नाम बेटा कौरवी होता है, फिर बी से ब्रजभाषा, और फिर के से कन्नौजी, और फिर बी से बुंदेली, फिर एच से हरियाणवी, हरियाणवी का ही दूसरा नाम क्या बेटा बांगरू। ठीक है, फिर पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में 3 आती हैं ए बी सी, ए से बेटा अवधि, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। फिर आता है बेटा राजस्थानी, राजस्थानी में 4 आती हैं जो हमारी चारों दिशाएं होती हैं, उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम। तो उत्तर मतलब उत्तरी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी को कहते हैं मेवाती, उत्तरी में निकला ता,
मेवाती में निकला ता, तो आपको ध्यान रखना है ता से ता रिलेट करेंगे तो उत्तरी राजस्थानी में क्या हो जाएगा, मेवाती हो जाएगा। फिर हमारा है दक्षिणी राजस्थानी, तो दक्षिणी राजस्थानी में क्या रहेगा, तो दक्षिणी राजस्थानी में बेटा रहेगा मालवी। और फिर पूर्वी में क्या रहेगा, पूर्वी में निकला रा, और पूर्वी में रा से निकला जयपुरी में रा, तो पूर्वी के अंतर्गत रहेगा जयपुर, और पूर्वी में जयपुरी, या इसी का दूसरा नाम होता है ढूढ़ाड़ी, या इसी का तीसरा नाम होता है हड़ौती। इन नामों को बेटा आपको ध्यान रखना है, ये नाम बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं कि पूर्वी राजस्थानी का अन्य नाम क्या है, तो जयपुरी, या अन्य नाम क्या है तो ढूढ़ाड़ी, या अन्य नाम क्या है तो हड़ौती। फिर आती है हमारी चौथी पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी को कहते हैं बेटा मारवाड़ी। पश्चिमी में है फोर लेटर, 1 2 3 4, तो इसलिए मारवाड़ी में है फोर लेटर, 1 2 3 4, इसलिए मारवाड़ी किसके अंतर्गत रहेगा, तो पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत रहेगा। इस तरीके से आपको रिलेट रखना है ताकि गड़बड़ नहीं हो, पूछ ले कि उत्तरी में कौन सी राजस्थानी के अंतर्गत आती है तो तुम जयपुरी लगा बैठे हो, तो ऐसा नहीं करना है। तो उत्तरी में निकला ता, और उत्तरी में ता से हो जाएगा मेवाती, तो उत्तरी के अंतर्गत हो जाएगा बेटा मेवाती। जयपुरी में निकला रा, तो जयपुरी के अंतर्गत किसके अंतर्गत हो जाएगा, तो वो पूर्वी के अंतर्गत हो जाएगा। तो उसके बाद आता है दक्षिणी, दक्षिणी में है 3 लेटर, दक्षिणी, और दक्षिणी के अंतर्गत आता है मालवी, तो मालवी में 3 लेटर, दक्षिणी में 3, तो दक्षिणी के अंतर्गत बेटा आता है मालवी। और फिर बचा मारवाड़ी, तो मारवाड़ी आता है बेटा पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत। ये चीजें इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आपका गड़बड़ ना हो। आप अगर थोड़ा सा अगर सीधे तरीके से रटते हैं, उत्तरी में मेवाती, दक्षिणी में मालवी, पूर्वी में जयपुरी, और दक्षिणी में पश्चिमी में मारवाड़ी, तो ऐसे डायरेक्ट रिलेट करते हैं, याद करते हैं, रटते हैं, तो आप भूल सकते हैं। अगर उसी चीज को आप किसी चीज से जोड़ देते हैं और किसी तरीके से याद करते हैं, तो आप उस चीज को जल्दी भूलेंगे नहीं, लंबे समय तक याद रहेगा, आपका कंफ्यूजन नहीं होगा, आंसर सटीक बैठेगा। तो इसलिए चीजों को जोड़ना सीखिए, ठीक है। फिर आता है हमारा बिहारी हिंदी, बिहारी के अंतर्गत बेटा आती है 3, मगही, मैथिली और भोजपुरी। फिर आता है हमारा बेटा पहाड़ी, पहाड़ी के अंतर्गत आती है 3, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। और अगर मुख्य रूप से पूछा जाए, वैसे तो बोलियां 18 हैं, क्वेश्चन आता है बोलियां कितनी हैं, तो 18 हैं, 18 ही आपको लगाना है। अगर पूछ लिया जाए मुख्यतः बोलियां कितनी हैं, तो आपको मुख्यतः बोलियां 17 लगानी है। उसमें 17 के में कौन सी 18वीं जो है वो नहीं आती है बेटा, तो उसको आपको ध्यान रखना है कि नेपाली जो है बेटा ये काउंट नहीं की जाती है, इसको छोड़ दिया जाता है, तो बेटा कितनी हो जाती हैं, तो फिर बेटा 17 हो जाती हैं, ठीक है। इतना समझ आया आप सभी को, ठीक है। कमेंट देखते हैं, सामने हमारे एलईडी लगी है, आप लोग कमेंट भी करते रहिएगा कि सेशन कैसा लग रहा है, और उसे लाइक भी करते रहिएगा, ठीक है। तो इतना समझ आया, तो हम लोगों की उपभाषाएं कितनी हैं, तुम लोगों की उपभाषाएं 5 हैं, और बोलियां कितनी हैं, तो बोलियां बेटा 18 हैं, ठीक है। तो अब हम लोग 18 बोलियां कैसे हैं, तो देखिए गिनिए, पश्चिमी में 5 प्लस पूर्वी में 3 प्लस राजस्थानी में 4 प्लस बिहारी में 3 प्लस पहाड़ी में 3, तो टोटल कितनी हो गई, इक्वल टू 18, ठीक। तो टोटल हमारी बोलियां कितनी हो गई, 18 बोलियां हैं, ठीक। कैसे देखो, पश्चिमी में 5, राजस्थान पूर्वी में 3, राजस्थानी में 4, बिहारी में 3, पहाड़ी में 3, तो टोटल कितनी हो गई, 5 3 8, 8 4 12, 12 3 15 3 18, तो कितनी हो गई हमारी, तो 18 बोलियां हो गई, ठीक है। आपको मैथ भी हमने सिखा दी, ठीक है। तो बोलियां कितनी है बेटा, 18 है। इसको ऐसे याद रखना है कि पश्चिमी में 5, राजस्थानी में 4, बाकी बची 3 उपभाषाएं, 3 में 3 3, पश्चिमी में 5, राजस्थानी में 4, 3 में 3 3, तो 3 में 3 3, तो 3 3 जा
नाइन और पांच उधर और चार उधर, तो पांच चार नौ इधर हो गए और तीन तिया नौ इधर हो गए, तो नौ नौ 18 बोलियां हो गईं। उपभाषाएं पांच हो गईं और बोलियां हमारी 18 हो गईं। ठीक है, इतना समझ आया सभी को। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे सभी को एक खास बात बता दें, इस बात को ध्यान रखना है कि अपभ्रंश भी पूछ लेता है, सीधे तौर पे भ्रंश नहीं आते हैं। यहां से बच्चा इस स्लाइड का बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना, इस स्क्रीनशॉट से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो मैं हट रहा हूँ थोड़ा साइड में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छी स्लाइड है। एक ही स्लाइड में पूरी हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां लिखी हुई हैं। तो इसका बच्चा स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक मिनट में, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो इतना हुआ, अब हम लोग आगे जाएंगे। इनका अगर पूछ लिया जाए अपभ्रंश, तो अच्छा इनका अपभ्रंश ध्यान रखना है, ये जितनी बोलियां हैं इन सारी बोलियों का, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी का अपभ्रंश क्या रहेगा? तो पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी, इनका क्या अपभ्रंश रहता है? तो इनका सौर सैनी अपभ्रंश। ठीक, इनको ध्यान रखना, अगर इनमें से पूछ लिया खड़ी बोली का अपभ्रंश क्या है तो सौर सैनी रहेगा, ब्रजभाषा का पूछ लें तो भी सौर सैनी अपभ्रंश रहेगा, कन्नौजी का पूछ लें तो भी सौर सैनी अपभ्रंश रहेगा। क्योंकि क्योंकि खड़ी बोली ब्रजभाषा कन्नौजी बुंदेली किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, और पश्चिमी हिंदी किसके अंतर्गत आती है? तो सौर सैनी के अंतर्गत। ठीक है, फिर अगला हमारा है पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी आती हैं? तो तीन, ए बी सी। अगर इनका पूछ लिया या अपभ्रंश क्या, जैसे छत्तीसगढ़ी का अपभ्रंश क्या है, या बघेली का अपभ्रंश क्या है, या अवधी का अपभ्रंश क्या है, तो क्या रहेगा इसका? अर्धमागधी अपभ्रंश। क्योंकि अर्धमागधी अपभ्रंश क्यों रहेगा? क्यों, पूर्वी हिंदी किस में आती है? अर्धमागधी में आती है। ठीक है, तो इसका क्या रहेगा अपभ्रंश? अर्धमागधी अपभ्रंश रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों की है बिहारी। बिहारी के अंतर्गत क्या आता है? तो बिहारी का अगर अपभ्रंश पूछा जाए तो बिहारी का अपभ्रंश क्या हो जाएगा? इसका अपभ्रंश हो जाएगा बेटा मागधी अपभ्रंश। ठीक, और पहाड़ी का क्या है? तो पहाड़ी का बेटा खस अपभ्रंश। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रखना है, ये अपभ्रंश भी आपको ध्यान रखने हैं। क्यों? क्योंकि ये सीधे तो वहां पे हमने लिखाए हैं, वो तो पूछे जाते हैं, यहां से भी पूछ लिए जाते हैं कि बताइए मारवाड़ी का अपभ्रंश क्या है, तो मारवाड़ी का क्या अपभ्रंश हो जाएगा? सौर सैनी अपभ्रंश हो जाएगा। क्योंकि मारवाड़ी किसके अंतर्गत है? राजस्थानी के अंतर्गत है, और राजस्थानी किस में है? तो सौर सैनी अपभ्रंश में है, इसलिए मारवाड़ी का क्या रहेगा? सौर सैनी अंतर्गत रहेगा। ठीक है, तो जितनी भी राजस्थानी के अंदर चार बोलियां, इन चारों बोलियों का अपभ्रंश क्या रहेगा? तो बेटा सौर सैनी अपभ्रंश रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से सबके अपभ्रंश भी ध्यान रखने हैं। और बेटा इनके क्षेत्र भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, तो इनके क्षेत्र आपको ध्यान रखने हैं। जैसे हम लोग कहें कि ब्रजभाषा, ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है? तो ब्रजभाषा बेटा जैसे हो गया मथुरा, हो गया बरेली, हो गया इन सब में, ब्रज क्षेत्र में कौन सी बोली ब्रजभाषा, जैसे आगरा हो गया, मथुरा हो गया, बरेली हो गया, बदायूं हो गया, इनमें ब्रजभाषा बोली जाती है। जैसे कन्नौजी पूछ लिया जाए तो कन्नौजी का क्या क्षेत्र होता है? तो कन्नौजी का सीतापुर हो गया, कानपुर हो गया, हरदोई हो गया, फरुखाबाद हो गया, शाहजहांपुर हो गया, पीलीभीत हो गया, तो इनमें कौन सी बोली जाती है? तो इनमें कन्नौजी बोली जाती है। जैसे बुंदेली पूछ लिया जाए तो बुंदेली बुंदेलखंड, जैसे झांसी, जालौन, हमीरपुर हो गया। ठीक है, हरियाणवी पूछ लिया जाए तो हरियाणवी, जैसे दिल्ली का देहाती भाग हो गया, इनमें बोली जाती है। ठीक, ऐसे अवधी है, अवधी कहाँ बोली जाती है? तो अवधी जैसे अवध यानी लखनऊ हो गया, सीतापुर हो गया, रायबरेली हो गया, तो यहाँ अवधी बोली जाती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है, इस तरीके से इनकी बोलियों के क्षेत्र भी याद रखने हैं आपको। ठीक, तो इतना समझ आया,
तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें देखेंगे हम लोग प्रमुख बोलियों के क्षेत्र, प्रमुख बोलियों के क्षेत्र। जैसे हमारी पहले है कन्नौजी, तो कन्नौजी कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो इसका क्षेत्र जैसे हमारा इसका क्षेत्र जैसे हरदोई, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद साहिबगंज, शाहजहांपुर, पीलीभीत। तो इनमें कौन सी बोली जाती है, तो इनमें कन्नौजी बोली जाती है। फिर हमारी दूसरी आती है जैसे ब्रजभाषा, ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है, तो ब्रजभाषा बेटा बोली जाती है आगरा, मथुरा, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी में ब्रजभाषा बोली जाती है। तीसरी जैसे हमारी आती है बुंदेली, तो बुंदेली बेटा कहाँ कहाँ बोली जाती है, इसका क्या क्षेत्र है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र। जैसे झांसी, जालौन, हमीरपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर। ठीक, इसके बाद हमारी आती है हरियाणवी, तो हरियाणवी का क्या क्षेत्र है, तो हरियाणवी का क्षेत्र है दिल्ली का देहाती भाग। ठीक, तो इन जगहों पे, इन बोलियों पे ये कुछ क्षेत्र हैं जो पूछे जाते रहते हैं एग्जाम में, इनको ध्यान रखना है। आगे हम लोग चलते हैं अवधि, अवधि का क्या क्षेत्र है, तो बेटा अवधि का जो क्षेत्र है वो अवध यानी कि लखनऊ, यूपी, 32। और अवध के बाद बेटा है उन्नाव, रायबरेली, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, सीतापुर में कौन सी बोली जाती है, तो अवधी बोली जाती है, इसको ध्यान रखना है अवधी। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है।
उसके बाद उसके भोजपुरी के भी क्षेत्र पूछ लेते हैं। भोजपुरी कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो भोजपुरी जैसे वाराणसी, बनारस, गोरखपुर, गोरखपुर, महाराजगंज, इनमें भोजपुरी बोली जाती है। उसके बाद आ जाती है हमारी से कुमाऊनी, कहाँ पे बोली जाती है, इसको भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र पड़ता है, वहाँ कुमाऊनी बोली जाती है। इसके बाद गढ़वाली, तो गढ़वाली जो है बेटा वो गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, तो ये कुछ क्षेत्र हैं प्रमुख रूप से जो उनमें पूछा जाता है कि कौन सी बोली कहाँ पे बोली जाती है। ठीक है, तो इतना समझ आया। और हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे बोली, भाषा और उपभाषा। तो आप लोगों को बोली, भाषा और उपभाषा में क्या अंतर है ये भी समझाते हैं कि बोली क्या होती है। तो देखिए बेटा, बोली, तो बोली क्या है? तो बोली क्या है? किसी भी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली, किसी भी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी सीमित क्षेत्र में, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट, सीमित। तो किसी भी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। इसीलिए कहावत भी है कि कोस कोस पे पानी बदले और चार कोस पे वाणी, यानी कोस कोस पे पानी और कुछ ही दूरी पर वाणी, यानी वाणी का मतलब बोली बदलती रहती है। ठीक है, तो इसलिए बोली की यह डिफिनेशन हो गई। इसके बाद हम लोग समझेंगे उपभाषा। उपभाषा, पहले यहाँ पे बोली का एक नोट इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। नोट, नोट इंपॉर्टेंट क्या है कि पूछा जाता है बोली में साहित्य की रचना होती है, तो बोली में बेटा साहित्य की रचना नहीं होती है। तो बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है। ठीक है बेटा, अब आगे हम लोग उपभाषा समझेंगे। ठीक है, उप भाषा, उपभाषा क्या होती है? तो इसकी डिफिनेशन समझेंगे। जब धीरे धीरे बोली का क्षेत्र बड़ा हो जाता है, और उस समय
साहित्य की रचना शुरू हो जाती है तब वह उप भाषा कहलाती है। तब वह क्या कहलाती है? उपभाषा कहलाती है। जब बोली से क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है तब वह बोली क्या बन जाती है? उपभाषा बन जाती है। ठीक है, तो ये बोली और उपभाषा में अंतर समझ आया। अब आगे भाषा, भाषा क्या है तो इसको समझेंगे। तो भाषा क्या है? जो भाषा का क्षेत्र और बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो जाता है उस समय साहित्य की रचना हो जाती है तब वह भाषा कहलाती है। ठीक है बच्चा, तो इतनी बात समझ आई सभी को कि बोली क्या है? तो किसी भी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। नोट इम्पॉर्टेंट क्या है कि बोली में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोली में साहित्य की रचना होती है, तो बोली में बेटा साहित्य की रचना नहीं होती है। फिर उपभाषा क्या है? जब धीरे धीरे बोली का क्षेत्र बड़ा हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना शुरू हो जाती है तब वह उपभाषा कहलाती है। ठीक, फिर भाषा क्या होती है? जब उपभाषा का क्षेत्र थोड़ा और बड़ा हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना हो जाती है तब वह भाषा कहलाती है। ठीक है, तो इतना समझ आया बोली उपभाषा और भाषा क्या होती है, में क्या डिफरेंस हो जाए। ठीक, तो इतनी बात समझ आई। ठीक है, एक स्लाइड में ही हमने बोली भाषा भाषा तीनों कर दी। आप स्क्रीनशॉट लेके अपना बेहतर नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग अब देखेंगे जो एक साधारण भाषा की परिभाषा होती है कि भाषा क्या है। लैंग्वेज, भाषा। तो भाषा क्या है बेटा, इसको समझेंगे। तो भाषा वह माध्यम है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों विचारों को दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं तथा दूसरे के भावों को
विचारों को समझते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों विचारों को दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं तथा दूसरे के भावों को विचारों को समझते हैं, वही भाषा कहलाती है। वही माध्यम वही माध्यम भाषा कहलाता है। ठीक है बच्चे, तो भाषा की डिफिनेशन समझ आई कि भाषा क्या होती है। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों विचारों को दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं तथा दूसरे के भावों विचारों को समझते हैं, क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। ठीक है, तो बेटा इतना समझ आया। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हिंदी की शुरुआत कहाँ से हुई, हिंदी का पूरा विकास क्रम क्या है, अपभ्रंश कितने हैं, अपभ्रंश में अंतर्गत कितनी कौन सी भाषाएं आती हैं, बोलियाँ कितनी हैं, उपभाषाएं कितनी हैं, और बोलियों के क्षेत्र क्या क्या हैं, तो इतना सब हमने आपको क्लियर कर दिया है। अब आगे की नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिंदी का राजभाषा के रूप में विकास। 20 मिनट का टॉपिक बचा हुआ है कि हिंदी जो है हमारी राजभाषा क्या होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे संघ की राजभाषा क्या है, तो हमारे संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। तो राजभाषा हिंदी है, कोई भी चीज़ है राजभाषा के पद पर पहुंची है, ठीक है, उसे दर्जा मिला, तो जाहिर सी बात है उसके पीछे कुछ कारण रहे होंगे जिन वजहों से वो राजभाषा बनाई गई। तो कैसे क्या कारण रहे, क्यों बनाई गई, हिंदी को ही राजभाषा क्यों बनाया गया, कैसे राजभाषा के पद पर हमारी हिंदुस्तानी भाषा हिंदी सम्मिलित हुई, राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो कब दर्जा दिया गया, तो 14 सितंबर 1949 14 सितंबर 1949 को हमारे संघ की राजभाषा हिंदी बनी थी। ठीक है, तो किसने इसके लिए संघर्ष किया था, किसने राजभाषा आयोग का गठन करवाया, किसने जो है हिंदी को संविधान में राजभाषा बनाए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया, तो यही सारे क्वेश्चन थोड़े हैं, तो उनको हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। और इसके आगे क्या करेंगे, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में समझ के फिर टॉप 50 से 100 क्वेश्चनों की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हिंदी भाषा विकास चैप्टर से। जो बोली भाषा के क्वेश्चन आते हैं उनकी हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग लाइक और कमेंट करिए, बताइए आपको कैसी क्लास लगी और कैसा सेशन लगा। और ये क्वेश्चन बेटा अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं नोट्स बना के, तो मैं गारंटी लेता हूँ आपके यूपीपी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी बाहर नहीं जाएगा। जो भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे वहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी क्वेश्चन बनते रहते हैं, जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन बनते हैं, सारे उसी तरीके से कराऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।